इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। लॉकडाउन के बाद भले ही रियायत मिली हो, लेकिन दूसरे रियासतों में, दूसरे शहरों में जो लोग आज भी फंसे हुए हैं वो सरहदों पर रुके हुए हैं। गुजरात से बेलगाम में पढ़ने वाले तलबा, मदरसे के तलबा, वहाँ से तो वो निकले, पर यहाँ पर कर्नाटक महाराष्ट्र कोगनोली नाके पर, चेकपोस्ट पर इन्हें रोका गया। तकरीबन 150 अफरादों की ये टीम थी, वहाँ से लग्जरी से भेजा गया। बहरहाल कई सारे चैनलों पर भी ये वीडियो दिखाया गया, कई सारी जगह पर ये वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर भी, कि उन बच्चों को एक जगह पर रोका गया था। लेकिन यहाँ पर बेलगाम शहर सदर अंजुमन, जनाब आसिफ राजू सेठ, अंजुमन इस्लाम सेक्रेटरी अंजुमन और वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब गफूर घी वाले साहब, तमाम लोगों की जद्दोजहद मेहनत के बाद वहाँ से उन बच्चों को लाया गया। भले उन्हें वहाँ पर 1.5 दिन रुकना पड़ा, एक रात रुकनी पड़ी, लेकिन पूरी कोशिश के बाद उन्हें वहाँ से यहाँ तक लाया गया। तो लिहाजा वो बच्चे अपने अपने घरों तक पहुँच चुके हैं। हम उनका शुक्रिया अदा भी करते हैं, जनाब आसिफ राजू सेठ साहब का, वो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। तो ये तमाम मामला तो किस तरह से पेश आया, इस पर उनकी राय और उनके ख्याल आती सारे ख्याल देखेंगे। सबसे पहले तो तमाम बेलगाम वालों की जानिब से और हमारे न्यूज़ चैनल की जानिब से इन्हें शुक्रिया अदा करते हैं कि वहाँ से जो तकरीबन 150 से ज़ायद बच्चे वहाँ पर जो फंसे हुए थे उन्हें उन्होंने जो है यहाँ निकाल लाया और वो अपने घरों तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। अंजुमन इस्लाम को काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कुगनोली चेक पोस्ट से, बॉर्डर से, कि काफ़ी बच्चे, बुज़ुर्ग जमातें जो गुजरात, दिल्ली, अजमेर शरीफ, राजस्थान और जगह से वापस आ रहे थे, उनको चेक पोस्ट पर रोका गया है और आने के कुछ उनको स्टेट में एंटर करने के लिए नहीं दे रहे थे। जैसे भी हमें पता चला है, हमारे जगत जनरल सेक्रेटरी हाजी सबीउल्लाह माड़ी वाले साहब, वह बोर्ड के चेयरमैन गफूर घी वाले साहब, रहमानिया फाउंडेशन के हनीफ भाई, हमारे मेंबर अशफाक गोरी साहब, हमारे आमीन भाई, ये सब मिलके कम से कम 1.5-2 रोज़ वहाँ पे एक चेक पोस्ट पर मुकाम करके, जैसे ऐप है या जैसे रिक्वेस्ट करके, ये तमाम जमाते जो बेलगाम के बच्चे थे, हुबली की जमात थी, कोलार के थे, चित्रदुर्ग के थे, दावणगिरी के थे, तमिलनाडु चेन्नई के थे, आंध्रा के चित्तौर के थे, बल्लारी के थे, हुबली के थे, काफ़ी लोग वहाँ पे जो अटके हुए थे, इन्हें आराम से वहाँ पे उनका खाना पीना, उनकी बाकी की सहूलतें देख के उनको परेशानी नहीं होगी। और साथ ही साथ निपानी के हमारे जरार पठान, कागल के भी काफ़ी लोग थे जो मदद कर रहे थे। ये सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो भी वहाँ पे खड़ा रह के मेहनत करके इनको सबको ले आए। साथ ही साथ वहाँ पे जो टूरिस्ट भी थे, जो टूरिस्ट नहीं कहूँगा मैं, जो अपने अपने घरों को पहुँचने चाहते थे, कारों में थे, उनको ऐप कैसे अपलोड करना, कैसे उनको मदद करना, ये हर कौम के थे, सभी थे उसमें, हर स्टेट को जाने वाले लोग थे, उन्हें सबको मदद वहाँ पे मिली है। और हमारे समीउल्लाह साहब और जिनका भी मैं नाम लिया हूँ, वो लोगों ने काफ़ी वहाँ पे मेहनत करके उनको खाना पहुँचाया, वहाँ पे उनको फ्रूट पहुँचाया और जो भी उनकी ज़रूरत थी वहाँ पे वो ज़रूरत पूरा की। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। कुल कितने अफराद थे? वह कम से कम 150-200 लोग थे और बाकी के कार्स में जो अलग लोग थे जो ट्रैवल कर रहे थे, इन्हें सबको वहाँ पे मदद की है। मुझे आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं तो भी ये प्रशासन की गलती है या तो इनके हाथ से चूक हुई है? जो कई सारी जगह पर लोग फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, वो ऐप निकाला है, ऐप लोग नहीं चला सकते, दिहाड़ी मजदूर हैं, जो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के चक्कर में आज पटरियों पर जिंदगियां ख़त्म हो रही हैं, कट कर मर रहे हैं। औरंगाबाद का मामला, इस पर आप क्या कहें? यहाँ पे मैं
कम्प्लीटली सरकार की गलती बताऊंगा, क्योंकि वो सेंट्रलाइज सिस्टम करने से बेहतर अपने अपने डीसी, अपने अपने तहसीलदार को अगर जिम्मेदारी सौंपी होती तो जगह पे वो डिसीजंस ले सकते थे, जगह पे लोगों को भिजवा सकते थे। ऐप जो है वो पहले अपलोड करेंगे, आप सरकार की बात कर रहे थे और लोगों की जाने की बात कर रहे थे। ये हमारे दिल्ली से आमिर साहब हैं, जो पिछले एक महीने से दो महीने से बेलगाम में अंजुमन में, एक महीने छः दिन से अंजुमन में यहाँ पे रुके हुए हैं। इनको जाने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि लॉकडाउन फुल हो चुका था। लॉकडाउन होने के बाद में जब ऐप गवर्नमेंट ने सेवा सिंधु का किया, हमने दो तारीख को हमने अप्लाई किया है। आज 9 तारीख हो गई, आज तक इसका कोई रिप्लाई नहीं है, कोई स्टेटस नहीं बता रहा है, कोई चीज़ नहीं बता रही है। ऐसे लोग कितने रोज़ बाहर रह सकते हैं अपने घर को छोड़ के? क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो भी जहाँ पे फंसे हुए हैं, चाहे मजदूर हो, चाहे पिलग्रिम्स हो, चाहे टूरिस्ट हो, चाहे अपने घर से बच्चे दूसरे के गांव को चले गए हैं, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपने अपने राज्य में बुला ले? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स की ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम अप्लाई करें और 10-10 दिन तक इनका रिप्लाई भी नहीं रहता है, और जाके हम बात करेंगे तो बोलते हैं ये ऐप है, इस ऐप पे अप्लाई किस करो, इस ऐप के अप्लाई करने के बाद में जब आपको परमिशन मिलेगी तभी आप जा सकते हैं। अब बताइए हम कितने दिन रोज़ के इसके बारे में रुक के रहे, फिर हज़ारों लोग, लाखों लोगों की वेटिंग, फिर उसका रिप्लाई आएगा, फिर आपको कुछ करना पड़ेगा। तब तक ड्राइवर पैसेंजर्स को उतार के अपने बसें भी वापस लेके चले गए थे, टैक्सीज अपने सवारियों को उतार के वो भी वापस चले गए थे। ये बेचारे लोग रास्ते पे ही थे, और जैसे हम देख रहे हैं कि जो माइग्रेंट्स हैं वो हज़ारों किलोमीटर चलते जा रहे हैं। क्या सरकार इतना भी नहीं कर सकती कि जो 12 महीने जो हमारे लिए काम करता है साइट पे हो या फैक्ट्रियों में हो, कि उसको अपने घर पे पहुंचाने की सहूलत नहीं कर सकता? बहुत बहुत शुक्रिया। यही है भारत, ये भारत की तस्वीर है जो सदर अंजुमन जनाब आसिफ राजू सेठ ने बताई कि ये मजदूर दो वक्त की रोटी के लिए कहीं पर मजदूरी करता है, कुछ पैसे अपने लिए रखता है, कुछ घर के लिए भेजता है, लेकिन आज वो घर तक पहुंच नहीं पाता, हुकूमत उसका सही से इंतज़ाम नहीं कर पा रही, और यही असल देश की ये तस्वीर है। परेशानियाँ मतलब जो वो गाड़ियों में बैठ कर थे, धूप, खाना नहीं मिल रहा था उनको, पानी की वहाँ सुविधा नहीं थी, टॉयलेट बाथरूम का नहीं था, रोड पे वो जब आगे आते थे तो पुलिस लोग और पीछे भगाते थे उनको, परेशान हो चुके थे। कुछ गाड़ी वाले तो छोड़ कर वहाँ पे चले गए थे उनको, वो लोग खेतों में थे, खेतों वाले हकाल रहे थे उनको। फिर हम लोग जब सेठ साहब और सदर अंजुमन राजू सेठ साहब ने कहा कि आप लोग खुद जाके वहाँ का मुआयना करके उनको ये करो, फिर साथ जाते वक्त हमें नाके पर रुकाया गया, फिर भरवानी साहब को फ़ोन करके हम अंदर चले गए। जाने के बाद में वहाँ से हमारा काम शुरू हुआ, जैसे ही काम शुरू हुआ फिर वहाँ पे रेड्डी साहब भी थे, वो भी साहब देखकर थोड़ा सा एक्टिव हो गए और हमारे लिए तुरंत तो मदद शुरू हो गई। लोगों को लाते गए, ऐप उनका ये करते गए, फिर लोग वहाँ से एक एक करके बल्लारी हो, तुम्हारा चितलदुर्ग हो, बागलकोट हो, सब हुबली है, फिर बच्चे जो स्टूडेंट्स थे उनका लास्ट में हुआ, चलो हो गया लेकिन लास्ट में हुआ। वहाँ पर ऐसी चीज़ है कि प्रशासन की कोई भी वहाँ पर उपलब्धियाँ नहीं है, किसी चीज़ का इंतज़ाम नहीं है। वहाँ पर ज़्यादातर आने वाले दिहाड़ी मजदूर है और जो फैमिलीज़ है वो गुजरात गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनको इजाज़त दे दी कि आप अपने कर्नाटक चले जाए। जब कर्नाटका के बॉर्डर पर आके रुक गए तो कर्नाटका की गवर्नमेंट ने उनको बोल दिया कि आप अप्लीकेशन कीजिए, उसके बाद आपको अप्रूवल आ जाएगा, उसके बाद आपको जाने की इजाज़त दी जाएगी। इस बीच लोग ऐसे फंस गए कि अप्लाई करना कैसे किसी को मालूम नहीं, क्योंकि सबके लिए नया काम है, कोई पुराना काम नहीं है, सब नया काम था, इसलिए वो नए से अप्लाई करना, वो अप्लाई करने के बाद वो एक बार पास हो जाएगा, कभी रिजेक्ट हो जाएगा। इस कश्मकश में लोग वहाँ रोड पर सोते रहे, उनका इंतज़ाम है ना, पानी पीने का इंतज़ाम है। हाँ, एक चीज़ अच्छी लगी कि कागल के मुस्लिम भाइयों ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया दोनों कौमों के लिए,
व्हाइट आर्मी ने दोपहर का खाना ये सब वहाँ प्रोवाइड किया, और जो खिदमतगार थे जो कागल से थे और निपानी से जरार पठान थे, इन्होंने भी बहुत मदद की। और हमारा जब जाने का मकसद था, हम हमारे XML साहब फिरोज सेठ साहब, DC साहब बेलगाम, हमारे सदर अंजुमन आसिफ रजू सेठ साहब के लीडरशिप के नीचे चले गए। ये हमारे लिए एक अच्छा मौका था काम करने का, कि हम भी अंजुमन से जाकर आज जो प्रशासकीय काम करते हैं उनके लिए भी हम मदद करें। वहाँ जाने के बाद हमको वहाँ के नोडल ऑफिसर ने भी एक अच्छी मदद की। XML साहब हैं, सदर अंजुमन आसिफ राजू सेठ साहब हैं। आज जो भी हालात पेश आ रहे हैं, इन हालात का सामना करने के लिए अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मैं 3-4 रोज से जो ये चल रहा था, छोटे बच्चे हो या मदरसे के बच्चे हो, जमातें हो या बाहर के टूरिस्ट हो, अजमेर से आने वाले हो, बहुत सारे हजरात परेशान थे। इनके बीच में एक इदारा शहर बेलगाम का अंजुमन इस्लाम इनके साथ खड़ा हुआ, और आसिफ राजू सेठ साहब की सदारत में जो काम हो रहा है और जो कल जो काम चल रहा है, मैं तमाम शहर बेलगाम के उन जमात वालों से और तमाम यंग कमेटियों से, तमाम अहबाब से गुजारिश करता हूं कि आप तमाम जो है खांदा बा खांदा अंजुमन का साथ दें। जब हम पहुंचे वहां पहुंचे तो नज़ारा ये था कि सब परेशान थे, चाहे वो हर कम्युनिटी का आदमी हो, हर किस्म का आदमी हो, हर आदमी परेशान था। जब हम गए तो वहाँ उनके हर तरह के ज़रूरियात के अतबार से जब मुआयना किया तो तमाम तकलीफ़ें सबके सामने आने लगी। उस एतबार से हमने उनके हर एक मसाइल को सामने रखकर हर लाइन से उनकी मदद करनी शुरू कर दी, जिसके पेपर्स वर्क था पेपर वर्क के एतबार से और ज़रूरियात के एतबार से हर एतबार से हमने मदद करना शुरू की। उस मदद के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों ने हमारा साथ दिया। निपानी के हमारे मैनुद्दीन भाई हैं, जहीर पठान हैं, और फिर हमारे शहरू भाई हैं, जरार पठान हैं और शहरू भाई हैं। इसी तरह कागल के जमील ज़मीर भाई, जलील भाई वगैरह, समीर भाई वगैरह ने भी हमारी खूब मदद की। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी ज़मीनी सदाकत, यही सच्चाई थी। किस तरह से लोगों को वहाँ से या बाहर निकालने में दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, टोल नाके तक पहुंचती हैं, सरहद पर पहुंचती हैं, बॉर्डर पर पहुंचती हैं, पर बॉर्डर से इस तरफ आने में कितनी परेशानियां होती है, ये जितने भी अफराद यहां से गए थे बेलगाम से, उन्होंने अभी आपके सामने पूरी रोदात पेश की। उम्मीद करते हैं कि तमाम अफराद जितने भी निकले हुए हैं वो अपने अपने घरों तक पहुँचे, सही सलामत पहुँचे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह।